तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी। हम डेटा मेनूबार में आ चुके हैं और इसके अंदर जो गेट डेटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जो आपको दिख रहा है ना, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे गेट डेटा की। देखिए क्या होता है, जब आपको किसी एक्सेल फाइल को एक्सेल फाइल से लिंक करना होता है तब क्या करते हैं। तो किसी भी लिंक के लिए आपको मैंने बताया था कि हम इक्वल से कर लेते हैं या हम कॉपी पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं, लेकिन दोनों केसेस में गलत होता है। तो गेट डेटा जो कि हमारे लेटेस्ट एक्सेल की जो है ऑफिस 365 की, उसमें हम आते हैं। जैसे कई सारे कैटेगरीज है, जैसे कि फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अजूरे, पावर पॉइंट, पावर प्लेटफॉर्म, इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज है, कंबाइंड क्यूरी वगैरह भी है। तो ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फ्रॉम फाइल, एक्सेल टू एक्सेल की कनेक्शंस। तो इस पे हम फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ .NET फ्रेमवर्क लॉडिंग हो रहा है। और आपका जो डेटा है उस डेटा में आप जाइएगा जहाँ पे आपका डेटा है, याद रखिएगा। तो बेसिकली मुझे अपने डेस्कटॉप पे एक डेटा पड़ा हुआ है, उसी को लिंक करना है, एस डेटा, राइट। और जैसे इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इसमें जितने भी शीट्स हैं और शीट्स पे जो डेटा है, पहले मुझे प्रीव्यू के तौर पे दिखेगा। यहाँ देखिए, तो प्रीव्यू के तौर पे मुझे दिख गया मेरा डेटा। मैं एक बार डेटा को देख लिया, देख के संतुष्ट हो गया कि हाँ यही डेटा चाहिए, देन लोड एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर लोड, यहाँ लोड हो गया, ट्रांसफॉर्म अलग हो गया, आपको पावर क्वेरी पे ले जाएगा। हम बात करें लोड पे, लोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोड आता है, एक लोड टू आता है। तो लोड पे करेंगे तो डायरेक्ट लोड जाएगा, लोड टू पे आएंगे तो ये ऑप्शंस देगा कि आपको पिवट टेबल में करना है, पिवट चार्ट में करना है, या सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करनी है। फिलहाल हम टेबल को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा कनेक्ट हो चुका है उस पर्टिकुलर फाइल से। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे ओवरऑल डेटा आ रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ओवरऑल डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ओवरऑल डेटा नहीं आए, मैं जो चाहूँ सो डेटा आए। सो इसी चीज़ के लिए हम बात करते हैं पिवट टेबल, सॉरी पावर क्यूरी की। जी हाँ, पावर क्यूरी। डेटा जब किसी डेटा से हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको अपने हिसाब से समराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है इसमें डेटा मेनू बार के अंदर में क्यूरी कनेक्शन पे जा सकते हैं, या फिर जब मैं लोड कर रहा था उसी समय जो ट्रांसफॉर्म बटन था उसी पे क्लिक कर दें। फिलहाल तो हम लोड कर चुके हैं, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूँगा, और जैसे इसको ओपन करूँगा, देखिए पावर क्यूरी एडिटर खुल के आ गया, ठीक है, आपके सामने। अब मुझे इसमें फिलहाल दो तीन चीज़ें करनी है कि मुझे कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए। जैसे मुझे जैन से लेके फैब तक का जो कॉलम है ना, मुझे नहीं चाहिए। तो हमने इसको आगे की तरफ लिया और दिसंबर तक को सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ, और इसी पे हम राइट क्लिक करके यहाँ आपको रिमूव कॉलम्स दिखेगा। तो यहाँ पे हम रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर दिए तो सारे के सारे कॉलम रिमूव हो गए। अब देखिए क्या होता है कि जब भी पावर क्यूरी यूज करते हैं तो यहाँ पे स्टेप्स दिखता है। तो पहला स्टेप स्टोर क्या था, सोर्स था, नेविगेशन था, प्रमोटेड हिडन, जैसे कि फर्स्ट डेटा को हिडन में प्रमोट कर दिया। फिर आता है चेंज टाइप, इन्होंने कुछ डेटा के जैसे टाइप को चेंज किया, और यहाँ पे कुछ कॉलम को रिमूव किया। वे स्टेप्स को आप गलत कर देते, मान गलत आप बोला कि नहीं नहीं यार मुझे सारा रिमूव नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ रिमूव करना चाहिए था। आप इस पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो फिर सारे टेबल्स वापस आ जाएंगे। और इसमें कॉलम रिमूव ही नहीं, मान लीजिए मुझे फिल्टर करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर सिटी का डेटा मिले, तो यहाँ हम दिल्ली को सिलेक्ट कर रहे हैं और मान लीजिए नोएडा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दो ही चाहिए हमको। तो दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही हम ओके करेंगे, अब यहाँ पे वही फिल्टर है। अब मुझे सेम डेटा चाहिए अपने एक्सेल में, तो यहाँ पे हम कर देंगे लोड एंड क्लोज। ये आपके सामने डेटा मेरा चेंज हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम ड्रॉपेबल चाहिए हमें,
ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट इस पे हम करते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे कि डेटा चाहिए, लेकिन मैं जो सिटी सेलेक्ट करूँ उसी सिटी का डेटा आना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ किया तो हमने पावर क्वेरी में जाके फिल्टर किया था। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊँ और डेफिनेशन पे जाऊँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है। ये आ गया SQL है, सेलेक्ट फ्रॉम डेटा यहाँ पे किया हुआ है। अब एडिट क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो मुझे पावर क्वेरी पे ले जाएगा और यहाँ से मुझे फिल्टर चेंज करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं यूजर के हाथ में देना चाहता हूँ कि कोई भी चेंज कर सके। अब यहाँ पे यूज करते हैं MS क्यूरी। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि पावर क्यूरी और MS क्यूरी में क्या अंतर है। पावर क्यूरी सबसे पहले जान लीजिए लेटेस्ट वर्जन है। पावर क्यूरी क्या है? लेटेस्ट वर्जन है, मतलब कि आपको ये 16, 17, 16, 19 और 21 में ही दिखेगा। लेकिन अगर आप करते हैं पावर क्यूरी के जगह पे, अगर मान लीजिए मैं यूज करता हूँ MS क्यूरी, तो MS क्यूरी 2007 में भी अवेलेबल है। ये MS क्यूरी आपका जो ODBC कनेक्शन है उस पर चलता है और इसमें SQL क्यूरी यूज की जाती है। तो यहाँ हम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे जाते हैं, एक्सेल डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, देन ओके। और यहाँ हम अपने लोकेशन में आते हैं जहाँ पे मुझे अपने फाइल को सिलेक्ट चाहिए हमें। तो यहाँ हम IPTIN यूजर्स डेस्कटॉप, हाँ डेस्कटॉप और एस डेटा डैनो। यहाँ पे देखा एक्सटर्नल टेबल इज नॉट टू बी एक्सक्यूट फॉर्मेट, मतलब कि ये आपका नहीं ले पाएगा क्योंकि ये जो डेटा है आपका XLSM फॉर्मेट में है, इसलिए ये नहीं ले पाएगा। तो फॉर्मेट होना चाहिए क्योंकि पुराने समय से चला रहा है तो उसी हिसाब से वर्क होता है। तो ये मैं एन डेटा डॉट XLSX कर देता हूँ, ये आई थिंक ले लेगा, ले लिया। लेकिन जब पहली टाइम देंगे ना तो आपको यहाँ पे सिस्टम टेबल में कुछ नहीं आएगा, नो टेबल व्यू करके आएगा। तो आप ऑप्शन पे, यहाँ ऑप्शन पे जाइए और ये आपको सिस्टम टेबल फर्स्ट टाइम करना होता है। मैं कई बार यूज कर चुका हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन आपको प्रॉब्लम देगा कि नो टेबल व्यू करके। तो सिस्टम टेबल पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ आपके डेटा है, अपना डेटा को सेलेक्ट कर लें। अब इसे मुझे कोई कॉलन नहीं चाहिए ना, तो कॉलन में यहाँ से नहीं भी ले सकता। ज़रूरी नहीं कि सारा कॉलन मुझे लूँ। मुझे मान लीजिए कि जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टोटल वगैरह चाहिए। तो मैंने उसी कॉलन को सेलेक्ट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट कीजिए। अब आती है बारी फिल्टर की। तो मुझे अगर सिटी का फिल्टर लगाना है कि सिटी इक्वल टू, तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे फिलहाल पटना पुणे ले लिया मैंने, सिंपल सा। और भी दूसरा तीसरा कंडीशन चाहिए तो कई सारे कंडीशन, कई सारे फील्ड पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट किसी फील्ड के अकॉर्डिंग करना है तो कर सकते हैं। मुझे ID के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मान लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एंड यहाँ रिटर्न टू एक्सेल डेटा या फिर एडिट क्यूरी इन द माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी तो अलग से पावर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का एक अलग विंडो खुलेगा। फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे नहीं जाना, हम एक्सेल पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने टेबल चाहिए तो टेबल लेके एन ओ के कर दिया। तो यहाँ आपके सामने डेटा पूरा आ गया, लेकिन मुझे लिंक करना है किसी सेल से। जैसे मैंने K1 पे लिख दिया सेलेक्ट यहाँ पे सिटी, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली डालते मुझे दिल्ली का डेटा शो होना चाहिए। तो ये भी होगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे? यहाँ पे क्यूरी एंड कनेक्शंस, ये रहा क्यूरी एक्सेल फॉर फाइल का क्या रहा होगा। राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, डेफिनेशन जहाँ पे इसको लिखा हुआ था, और इसे पावर क्वेरी में आपको एडिट नहीं करने दे रहा था, एडिट क्वेरी करते ही चला जाता है पावर क्वेरी पे। बट यहाँ आप अपने SQL क्वेरी को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कई सारे फाइल्स आपको दिख रहा है।
तो यहाँ जो वेयर कमांड, अगर आप एसक्यूएल के लिए जानते होंगे तो कंडीशन हमेशा वेयर कमांड पे लगता है, और इस सिंगल कोटेशन मार्क में आप देख पा रहे हैं कि पुणे लिखा हुआ है, तो विद सिंगल कोटेशन मार्क हम इसको डिलीट करके इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जब क्वेश्चन मार्क देते हैं तो हो जाता है पैरामीटर्स। जैसे आप अब देखिए पैरामीटर्स यहाँ पे हाईलाइटर नहीं है, कि जैसे मैं ओके करूँगा तो आपको यहाँ से पूछेगा पैरामीटर, तो हमने इन दोनों पे लिख दिया। पहला है यूज वैल्यू रेफरेंस फॉर द रिफ्रेश, मतलब कि आपको वैल्यू रेफरेंस हो करना है, और रिफ्रेश ऑटोमेटिकली जब हम वैल्यू चेंज करें, और हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। सिंपल सा। अब देखिए दिल्ली का आ गया, अब यहाँ पे मैं पटना करता हूँ तो पटना का रेट आएगा, एम यू जेड करता हूँ तो एम यू जेड का रेट आएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पावर क्यूरी एंड पावर एमएस क्यूरी, दोनों में डिफरेंस क्या था। अब दोनों को डिटेल में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस एक बार खुद से कर लें।